हमारी जो अगली व्याख्या है, न को हार न जीत रही न रही ये सुरवीर, धर ऊपर परत करत अति युद्ध महाभर, कहूँ कमंद कहूँ मत कहूँ कर चरित अंधरूरी, कहूँ कंद बही तेग कहूँ सिर झुट फूट और कहूँ दत्त मंत है सुर सुपरी, कुंभ भुसुंड रुंड सब हिंदवान रान भय वहान मुस गई तेग चौहान जब। यह अवतरण भी चंद्रप्रदाय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय खंड से ही अवतरित है। इसमें कवि ने शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज की सेना के मध्य हुए युद्ध का न केवल वर्णन ही किया है अपितु वहाँ की भयानक स्थिति का आंखों देखा हाल उपस्थित किया है कि उनके मध्य कितना भयंकर युद्ध हो रहा था उसकी भयावहता को अंकित करते हुए कवि चंद्रप्रदाय जी कह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी की सेना के मध्य में जो युद्ध हो रहा था उसमें न को हारे न जीते, उसमें न तो कोई हारता था न ही कोई जीतता था, न को हारे न जीते अतः उसमें न तो कोई हार ही रहा था न कोई जीत ही रहा था, रहिए न रहिए सुरवीर, दोनों पक्षी अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, अर्थात वह अनन्य था उसमें किसी की भी पराजय दिखलाई नहीं दे रही थी। दोनों सेनाओं के वीर योद्धाओं के मानस पर युद्ध का ऐसा अनुमान छा गया था कि कोई भी रुकने पर रुकता नहीं था, किसी भी सेना का कोई सेनापति अपने सैनिकों को युद्ध रोकने का आदेश नहीं देता था। उस आदेश को न मानकर भयानक मारकाट मचाने लगे थे और धर ऊपर परत करत अति महादुद। दोनों पक्ष के योद्धागण परेशान होकर आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे और बड़े बड़े योद्धा अपने शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में लगे हुए थे। अति युद्ध महाभर मैंने बड़े बड़े योद्धा अपने शत्रु के या प्रतिपक्ष के प्रति युद्ध करने में लगे हुए थे और पूरी शक्ति का परिचय दे रहे थे। कहूँ कमंद कहूँ मत, युद्ध क्षेत्र में मारकाट मची हुई थी और उसकी भयंकरता यह थी कि कहीं तो धड़ पड़े हुए थे, कहीं मस्तक पड़े हुए थे, कहीं कटे हुए हाथ तो कहीं कटे हुए पैर, कहीं कबंध कहीं मत। तो जो कबंध है उसका अर्थ होता है सिर रहित धड़, मत माथा, कहूँ कर चरित अंतरिया कहीं उनकी आंतड़िया पड़ी हुई थी, कहूँ कंद बई तेग कहूँ सिर झुट फुटी है। इतना ही नहीं, कहीं रण क्षेत्र में कहीं तलवार इतनी कुशलता से चलती थी कि कंधे को काटती हुई कहीं कंद तेग वही कंधे को काटती हुई सिर झुट्टी फुटती है, कंधे को काटती हुई आगे बढ़ जाती थी और कहीं हथियार की चोट खाकर वक्षस्थल फट जाता था, उनका जो वक्षस्थल था वो टकराकर झुट्टी फुटती है फूट जाता था, एक दूसरे से टकरा करके जो वक्षस्थल था वह फूट जाता था। कहीं रण क्षेत्र में मस्त हाथियों के टूटे हुए दांत पड़े थे, दंत मत है माने हाथियों के जो टूटे हुए दांत पड़े थे सुर पुसरी है ना, कहीं उनके खुर सुर खुर और पू सुपारी सुपरी का अर्थ होता खोपड़ी, कहीं उनके खुर पड़े हुए थे कहीं उनकी खोपड़ियां पड़ी हुई थी, कुंभ माने कहीं उनके मस्तक पड़े हुए थे, भ्रसुंड रुंड सब कहीं सूंड और कहीं मतलब उनके अंग प्रत्यंग वहाँ बिखरे हुए पड़े थे। जब हिंदू नरेशार पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथ में तलवार पकड़ी तो उनका जो मुख है हिंदवान रान वहान मुस गई तेग जब, तो उनका मुख सूर्य के समान दैदीप्यमान हो उठा, किसके समान सूर्य के समान। चौहान नरेश पृथ्वीराज ने जब तलवार पकड़ी तो उनका जो मुख था
वह सूर्य के समान चमक उठा, अर्थात वे क्रोध में लाल पीले हो गए। इस प्रकार शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज के मध्य जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध की जो भयंकरता थी उसी का उल्लेख यहाँ किया गया है। हमारी अगली व्याख्या है, बोलिए विप्र सोदे लगन सुदे घरि परठिय, हर वासे ही मंडप बनाए कर वहाँ वरी गठिय, ब्रह्म वेद उचरई होम चोरी जू प्रतिवर, पद्मावती दुल्हन अनूप दूल्हे पृथ्वीराज नर, मंडो सहाय सावधि अट सहस हैवर सुवर, देदान मान सट भेष को चंडे राज दुग्गर उजर। ये पंक्तियाँ भी पद्मावत समझ से अवतरित है और पृथ्वीराज पद्मावती का हरण करके शहाबुद्दीन गौरी को बंदी बनाकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं उसका वर्णन यहाँ किया गया है। बोली विप्र सोदे लगन, वह दिल्ली नगर में प्रवेश से पूर्वी दिल्ली के ही पास स्थित एक मंदिर में जाते हैं। वहीं से उनकी जो वैवाहिक तैयारी है वो प्रारंभ होती है। कवि चंद्रवदाय वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पृथ्वीराज ने ब्राह्मणों को बुलवाया, बोली विप्र, विप्र बोली ब्राह्मणों को बुलवाया सोध ही लगन, और उनसे विवाह का लग्न निकालने के लिए कहा। सोधी लगन मानी विवाह का लग्न निकालने के लिए कहा। सुध घरी पट्टी है, और ब्राह्मणों ने शुभ घड़ी निश्चित कर दी कि किस शुभ घड़ी में उन दोनों का विवाह उचित रहेगा, तो उस शुभ घड़ी का उल्लेख भी उन ब्राह्मणों ने कर दिया। हर वहाँ से ही मंडप बनाए, उन्होंने उसी शुभ विवाह की घड़ी निश्चित हो जाने के पश्चात ही वहाँ हर बाँसी हर मनी हरे बाँसों का मंडप बनाया, मंडप बनाए कर भामरी गठी है मंडप निर्मित किया, और उसी मंडप के नीचे पृथ्वीराज और पद्मावती वर वधु के रूप में उपस्थित हुए, और उपस्थित होकर उन्होंने भामरी गठी है उनके भमर डलवा दिए, अर्थात उनके फेरे पड़वा दिए गए। ब्रह्म वेद उचरई होम चोरी जू प्रतिवर, यज्ञ की वेदी के पास बैठे हुए जो ब्राह्मण थे उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। वो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उसी यज्ञ वेदी पर पद्मावती को वर रूप में पृथ्वीराज की प्राप्ति हुई। ब्रह्म वेद उचरई होम चोरी जू प्रतिवर, कि जिस वेदी के समीप जो ब्राह्मण थे वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उसी के समीप पद्मावती को पृथ्वीराज की प्राप्ति हुई। पद्मावती दुल्हिन अनूप दूल्हे पृथ्वीराज नर, पद्मावती अनुपम दुल्हिनी थी तथा श्रेष्ठ वधू भी थी, और पृथ्वीराज नर श्रेष्ठ होने के कारण एक अद्वितीय दूल्हे के रूप में सुशोभित हो रहे थे। मंडो सहाय शहाबुद्दीन अट सह सवर, इस प्रकार विवाह कार्य पूरा हो जाने के पश्चात शहाबुद्दीन गौरी को दंडित किया गया। पृथ्वीराज ने उसे दंडित किया, और दंड स्वरूप में उसे क्या प्राप्त हुआ, देखो, अट सहस है वर्ष वर, अट सहस है वर्ष वर, 8,000 है वर्ष वर श्रेष्ठ और सुंदर घोड़े दंड रूप में उन्हें प्राप्त हुए। अट सहस का मतलब था 8,000 सुंदर घोड़े उन्हें दंड के रूप में प्राप्त हुए। देदान मान सट भेष को चढ़े राज दुग हुजर, इतना सब हो जाने के पश्चात पृथ्वीराज सट वेशी याचक छह प्रकार के जो याचक होते हैं उनको बुलाया। कौन कौन से? यति, भोगी, सन्यासी, जंगम, चारण, ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान दिया, उन्हें सम्मानित किया, और उसके पश्चात चंडे राज दुग्गर उजर, उसके पश्चात पृथ्वीराज अपने सामने स्थित राज द्वार पर चढ़ गए, अर्थात वो राजमहल में चले गए। उन दोनों के विवाह के बाद फिर वो उनका जो दाम्पत्य जीवन था उसको उन्होंने प्रारंभ किया। इस प्रकार जो पद्मावत समय है इसमें पद्मावती और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी का सुंदर चित्रण किया गया है। पद्मावती समय पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये तो उनकी व्याख्या हुई। तो
किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं? देखिए, पृथ्वीराज राशों में भापक्ष और कलापक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक ये भी आ सकता है कि पठित अंश के आधार पर पृथ्वीराज राशों का सारांश लिखिए या उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या पृथ्वीराज राशों के काव्य सौंदर्य का उल्लेख कीजिए। ये भी आ सकता है। एक ये क्वेश्चन भी मोस्ट बनता है कि पृथ्वीराज राशों की प्रमाणिकता पर लेख लिखिए। पृथ्वीराज राशों प्रमाणिक है अथवा अप्रमाणिक काव्य है, इस पर एक लेख लिखिए। यह भी आ सकता है, लेकिन अधिकांशतः इसका जो मोस्ट क्वेश्चन जो बनता है वह है पृथ्वीराज राशों का काव्य सौंदर्य। ठीक है, इसको तैयार कर लेना।